अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफान एंड वेलकम बैक टू कास्ट ट्यूब। और आज जो हम मशीन लेके आए हैं वो है भाई 40 साल पुरानी गाड़ी। और 40 साल से ये फर्स्ट ऑनर पे गाड़ी, अभी तक सबसे बड़ी बात ये। और इसमें जो गाड़ी में सबसे अच्छी चीज़ है कि गाड़ी अभी तक सारी चीज़ें इसकी अपनी जगह पे हैं। वरना नहीं तो मोस्टली इतने साल पुरानी गाड़ी का होता क्या है कि चीज़ कोई चीज़ किसी की लगी होती है, कोई चीज़ किसी की लगी होती है, तो वो उसमें जुगाड़े होती हैं बहुत सारी। लेकिन ये है गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, टोयोटा है, टोयोटा करोला E70 भी कहलाती है और 82 का मॉडल है ये। E70 कहलाती है, 1.3 लीटर है गाड़ी। और अगर इसकी लेंथ वगैरह और सारी चीज़ें आपको बताते हैं तो सबसे पहले इंजन से शुरू करते हैं और इंजन की थोड़ी सी डिटेल देते हैं, उसके बाद एक्सटीरियर, देन इंटीरियर। अच्छा, तो ये है भाई ओवरऑल इंजन और ये है 1.3 लीटर इंजन है। और जो कंपनी क्लेम करती है, ये कंपनी क्लेम करती है कि भाई ये 1 लीटर पे 18 लीटर जो है आपको एवरेज देगी। बट डेफिनेटली 40 साल पुराना इंजन है तो इतना अच्छा एवरेज नहीं मिल सकता आपको। और उसके साथ जो है इसका जो हॉर्स पावर है वो 65 है। बट ये वो गाड़ियां हैं जो अभी तक चल रही हैं और बहुत ज़्यादा जानदार हैं, आप कह सकते हैं कि विंटेज और क्लासिक कार्स में ये आती है। अच्छा भाई, तो ये है गाड़ी का फ्रंट ओवरऑल। और अगर गाड़ी की फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे हमें क्रिस्टल ग्लास में, यहाँ पे आपको वो सेंटर में ग्रिल मिली हुई है। और इसका जो बम्पर है ये देखेंगे थोड़ा सा लंबा है, मतलब थोड़ा सा आगे होके निकला हुआ है। अच्छा, ये गाड़ी का ओवरऑल साइड लुक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक शो दी हुई है जो पूरी पट्टी चल रही है, आखिर तक चल रही है। और इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो सिल्वर पे हैं। और उसके साथ यहाँ पे डोर्स पे आपको सिल्वर क्रोम वर्क मिला हुआ है। और यहाँ पे अगर हम गाड़ी की विंड स्क्रीन की बात करें तो पूरे बॉर्डर पे आपको यहाँ पे पूरा जो है क्या कहते हैं सिल्वर क्रोम वर्क मिला हुआ है। ठीक है, टेल पे चलते हैं गाड़ी की। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, दिस इज़ शो पीस। और टेल पे चलते हैं, दिस इज़ ओवरऑल टेल लुक। और यहाँ पे ये बम्पर देख रहे हैं, इसका बम्पर पीछे का और ज़्यादा जो है भार है, तो ये एक जो है विंटेज लुक जो देता है, बड़ा मज़ा आता है इसको देखने में। और उसके साथ जो बैक लाइट, टेल लाइट्स हैं, बेसिकली इसकी टेल लाइट्स भी फ्लैट हैं और एंटीगेटर है, रिवर्स लाइट है और ब्रेक लाइट है यहीं पर। पीछे की विंड स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पूरा एक आउटलाइन मिली हुई है जो सिल्वर वर्क से हुई हुई है। ठीक है, ये आ गया आपका एक्सटीरियर। और इस साइड से देखते हैं गाड़ी को, बहुत नीट एंड क्लीन गाड़ी है। सबसे ज़बरदस्त बात ये है 82 के एरा की गाड़ी है, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा सफाई से रखी हुई है। और जो ऑनर है वो कह रहा है भाई ये मेरे दादा की गाड़ी है और दादा के टाइम से हमारे पास है। इंटीरियर है, इंटीरियर में सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें मिल जाती है हेडलाइट्स, और क्या कहते हैं सारा हेडलाइट का ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पे वाइपर का है और इसके साथ ही ये बटन दिया हुआ है जो आपका वाइपर नोज जो काम करती है उसके लिए बटन है। ये बड़ा ज़बरदस्त बटन है, मज़ेदार है। और उसके साथ ही यहाँ पे इसमें एक चीज़ और अच्छी है, जो इसके डबल इंडिकेटर्स दिए हुए वो उसका बटन दिया हुआ है, और वो इस तरह का बटन दिया हुआ है। वरना ही तो पुरानी गाड़ियों में और नई गाड़ियों में भी देखेंगे तो वो बटन डिफरेंट होता है। और उसके साथ ही स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर पे यहाँ पे आपको एक वॉच मिल जाती है। उसके साथ ही यहाँ पे स्पीड दी हुई है 180 पर आवर किलोमीटर। और उसके साथ फ्यूल का, फ्यूल टैंक का बता रहे हैं और टेम्परेचर बता रहे हैं। और अगर यहाँ पे सेंटर में आते हैं, सेंटर कंसोल में, तो यहाँ पे हमें रेडियो के ऑप्शंस मिले हुए हैं। डिफॉगर मिला हुआ है, यहाँ का बटन गायब हुआ हुआ है, ये आपका रेडियो ट्यून करने का है। एसी वेंट्स आ जाते हैं और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एसी के कंप्लीट ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, एसी और हीटर के सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। एसी का बटन है और उसके साथ ही ये पूरा डैशबोर्ड है। और इसका ग्लव कंपार्ट दो हैं बेसिकली, एक ये ग्लव कंपार्ट है और एक इसके नीचे है जो यहाँ पे डोर हैंडल एक रखा हुआ है। उसके साथ ही डोर्स बहुत ही सिंपल होते हैं, टोटोन जो है क्या कहते हैं डोर्स दिए हुए हैं आपको। और इंटीरियर जो सीट्स हैं ये आपको लेदर पर मिली हुई हैं, बहुत सॉफ्ट लेदर है। और कुशनिंग गाड़ी की बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है गाड़ी का कुशनिंग। और एक
अच्छा लग्जरी लुक देता है। विंटेज कार का सबसे ज़्यादा मज़ा यही होता है कि वो एक कंफर्टेबल और क्या कहते हैं स्मूथ ड्राइव, मज़ेदार सस्पेंशन, मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। अगर विंटेज लवर्स हैं, क्लासिक लवर्स हैं, तो दिनोज बेटर दैट थिंग। और ये अभी तक यहाँ पे जैपनीज बैजिंग हुई है पूरी गाड़ी पे, टूर्स पे। तो ये जिस ओनर के पास है भाई, उनका कहना है कि हमारे दादा की गाड़ी है और 40 साल से हमारे पास है। दैट्स रियली कूल थिंग। अच्छा भाई, तो ये है 82 का मॉडल है, 40 साल पुराना एरा है। तो ये गाड़ी है, ओवरऑल हमने आपको दिखाई है एक्सटीरियर इंटीरियर, और इसके नेगेटिव पॉइंट तो डेफिनेटली कोई नहीं हो सकते क्योंकि ये है क्लासिक कार है, बहुत मज़े की है। फ्रंट इंजन रियर व्हील गाड़ी का ड्राइव है, और उसके साथ ही ये सेडान है, और 82 से 83 तक बनी थी, एक साल ही बनी थी, और ये जापान में ही मैन्युफैक्चर हुई थी, और इसी वजह से अभी तक गाड़ी जानदार भी है भाई। और टोयोटा की है तो डेफिनेटली मज़ेदार तो होगी ड्राइव इसकी, बहुत ज़्यादा स्मूथ है इस हालत में। और इस टाइम भी अगर आप इसको लेके जाना चाहें हैदराबाद टूर वगैरह, पाकिस्तान का टूर, कुछ नहीं कहेगी गाड़ी, बहुत प्यार से बहुत आराम से जाएगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें और फीडबैक ज़रूर दिया करें प्लीज़ कमेंट्स में कि यार काम अच्छा है, नहीं है, नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगा, जो भी है, जैसा भी है, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।